ठीक है, अब हम देख रहे हैं इस लेक्चर के अंदर इंसर्टिंग फॉर्म डेटा ऑफ पीएचपी इनटू MySQL डेटाबेस। ठीक है, मतलब अब हम एक पीएचपी फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, और उस फॉर्म का डेटा हम अपने MySQL डेटाबेस के अंदर क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब जो हमने एक डेटाबेस यहाँ पे बनाया हुआ है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हमने एक डेटाबेस यहाँ पे बनाया था, ठीक है, और उस डेटाबेस का नाम क्या रखा था, प्रैक्टिस, और इसके अंदर एक एम्प्लॉय टेबल बनाया था हमने पिछले लेक्चर में, कैसे बनाया था वो आप देख सकते हो पिछले लेक्चर में। ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर मैंने 5 फील्ड्स रखी थी, आईडी, नेम, एज, डेजिग्नेशन और सैलरी, और ये जो एक रो है वो मैंने यही पीएचपी माय एडमिन से ही इंसर्ट करवाई थी, लेकिन अब मैं इंसर्ट करवाऊंगा अपनी एप्लीकेशन से, पीएचपी एप्लीकेशन से डेटा इस डेटाबेस प्रैक्टिस डेटाबेस के एम्प्लॉय टेबल के अंदर इंसर्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा और उसका डेटा मैं कहां पे इंसर्ट कर दूंगा, हमारे इस डेटाबेस के टेबल के अंदर जिसका नाम है एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब यहां पे आते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब भी हम डेटाबेस के अंदर इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, ये सारे करंट ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करवाते हैं तो लाजमी हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले कनेक्शन मेंटेन करवाना पड़ता है। देखो ये जो फाइल है डीबी कनेक्शन, ये मैंने पहले बनाई हुई है और इसके अंदर अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा कि MySQLi कनेक्ट क्या करता है, मतलब ये जो सारी चीजें हैं इनको चेक करता है। ठीक है, कि ये सारी चीजें वैलिड है, मतलब ये जो कनेक्शन मेंटेन करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं तो क्या वो लोकल होस्ट पे है, ठीक है, और उसके यूजर नेम का नाम रूट है और उसका पासवर्ड मतलब कोई भी नहीं है, और अगर उसके डेटाबेस का नाम प्रैक्टिस है तो इसके अंदर क्या भेज दो, ट्रू, और मैं उसे चेक करवा रहा हूं कि अगर ये कनेक्शन का वेरिएबल ट्रू नहीं है तो मैसेज क्या शो हो जाए, कनेक्शन फेल। और ये सारा कोड बार बार लिखने के बजाय मैंने इसको एक फाइल में रखा है अलग से, और इस फाइल को मैंने कॉल कहां पे करवा लिया है, अपनी एप्लीकेशन के बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है, ताकि पहले ही मेरा कनेक्शन मेंटेन हो जाए और उसके बाद अब मैं क्या बना लूंगा, हमारे फॉर्म का जितना भी काम है वो मैं यहाँ पे करूंगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आते हैं, मैं बनाता हूं एक फॉर्म, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कनेक्शन मेंटेन कर दिया, ठीक है, और फिर इसके बाद मैं आता हूं यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करता हूं, और फॉर्म के लिए मैं यहाँ पे फॉर्म, ठीक है, और टैब टैब, ठीक है, और मैंने आपको बताया था ये जो शॉर्टकट है ये किस प्लगइन के थ्रू आ रहा है, एमएड प्लगइन के थ्रू आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैं कह रहा हूं ये फॉर्म जब सबमिट होगा, ठीक है, सबमिट होगा तो कौन सी फाइल पे जाएगा, मैं इसको कहता हूं एक फाइल इंसर्ट डॉट पीएचपी। अब देखो ये फाइल मैंने बनाई नहीं है, ये मैं अभी बनाऊंगा जिसके अंदर सारा इंसर्ट का काम करूंगा मैं, सही है। अब देखो मेथड कौन सा यूज करूंगा, हमने दो मेथड पढ़े थे, गेट और पोस्ट, ज्यादा सिक्योर कौन सा होता है, पोस्ट, तो मैं पोस्ट यूज करता हूं। और अब इसके अंदर मैं अपने फॉर्म से रिलेटेड कुछ फील्ड्स बनाता हूं, मैं यहां पे कहता हूं लेबल और टैब प्रेस करता हूं, और लेबल में पहला क्या होगा, नेम, क्योंकि आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, याद है हमने आईडी ऑटो इंक्रीमेंट रखी थी, उसको तो खुद ही वैल्यू मिलेगी। फिर अब ये तो लेबल हो गया ना नेम, इसके लिए मुझे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो टेक्स्ट फील्ड के लिए शॉर्टकट क्या होती है, इनपुट कॉलन टेक्स्ट, और फिर टैब प्रेस करूंगा तो ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैं क्या रख रहा हूं, नेम, और अब यहां पे आता हूं, इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूं। ठीक है, आईडी को छोड़ के 4 फील्ड्स है ना हमारे डेटाबेस के टेबल में, सही है, कौन कौन सी, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, फिर नेम, एज, डेजिग्नेशन और सैलरी। तो अब मैं यहाँ पे आता हूं, इसका लेबल मैं कहता हूं हमारे पास दूसरा था एज, ठीक है, और इसके बाद डेजिग्नेशन, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास है सैलरी, ठीक है, और इन सबके नेम भी चेंज करना है, यहाँ पे ये जो एज का टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम कर देता हूं एज, डेजिग्नेशन इसका नाम मैं कर देता हूं डेजिग्नेशन, ठीक है, और फिर सैलरी इसका नाम मैं रख देता हूं सैलरी। ठीक है, ये लाजमी आपने रखने हैं इसके नाम, क्योंकि इसी नाम से इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को कॉल किया जाएगा। ठीक है, और अब सबसे लास्ट में क्या बनता है हमारे पास, एक बटन, तो बटन बनाने के लिए इनपुट कॉलन सबमिट और फिर टैब, सही है, और इसकी वैल्यू बटन में जो वैल्यू शो होगी वो क्या होगी, इंसर्ट, क्योंकि डेटा इंसर्ट कर रहा हूं ना, और फिर इसका नेम मैं सेट कर देता हूं सबमिट,
BTN, सही है। अच्छा अब ये जो मतलब ये समझ लो ये पूरा का पूरा नेम का टेक्स्ट बॉक्स है, ये एज का टेक्स्ट बॉक्स है, और इनके दरमियान मुझे लाइन ब्रेक्स भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे दो BR के टैग्स यूज कर लेता हूँ, ठीक है, एज के बाद भी दो BR के टैग्स ताकि दो लाइन ब्रेक्स मुझे मिल जाए, और यहाँ पे भी, और इसी तरह सैलरी के बाद, ठीक है, इस तरह से मिल जाए। तो अगर मैं अभी इसको यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर में आके ये जो मेरा होम का पेज था मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये फील्ड्स आ गई, ठीक है, मतलब इसके अंदर मैं जो भी डेटा दूंगा वो कहाँ पे इंसर्ट होगा, ये जो मैंने डेटाबेस बनाया था और उसका कौन सा टेबल है, ये एम्प्लॉय टेबल, इसके अंदर इंसर्ट होना चाहिए, मतलब जो अब सेकंड रो इंसर्ट होगी वो कहाँ से आएगी, वो मेरे इस एप्लीकेशन से आएगी, ठीक है, ये इसका पॉइंट है। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं, अब देखो ये जब मैं फॉर्म सबमिट करूंगा ये जाएगा कहाँ पे, इंसर्ट डॉट पी एच पी पे, और वो पेज तो हमारे पास अभी है नहीं तो वो मुझे बनाना पड़ेगा, तो देखो अब यहाँ पे आते हैं, मैं कंट्रोल एन करता हूं तो ये खाली पेज आ जाएगा, इसको सेव करते हैं, और देखो इसको सेव मैं वहीं पे करूंगा जहां पे मेरा होम का पेज है और डीबी कनेक्शन का जो पेज है, ठीक है, वैम 64 में जाते हैं www और फिर यहाँ पे माय वैम, ठीक है, देखो दोनों पेजेस इसी के अंदर है जो पिछले लेक्चर में हमने बनाया, और अब यहाँ पे मैं इसका नाम क्या रखूंगा, इंसर्ट डॉट पी एच पी, क्योंकि सबमिट होने के बाद इसी पेज पे आएगा वो, और इसी पेज के अंदर मैं इंसर्ट की सारी कोडिंग करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके सेव पे क्लिक करते हैं, अब देखो ये सारा काम यहाँ पे हो गया, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पीएचपी का साइंटेक्स यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है, पीएचपी का साइंटेक्स ओपन किया, अब देखो जब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, मतलब देखो जब मैं यहां से सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो इंसर्ट पीएचपी पे जाएगा, तो अब मुझे चेक करवाना है कि सबमिट के ऊपर क्लिक हुआ है, ठीक है, और ये काम मैं कहां पे करूंगा, यहां पे, तो इफ कंडीशन में यूज करता हूं, ठीक है। और अब एक चीज नोटिस करो, मैं इंसर्ट का काम कर रहा हूं ना, इंसर्ट का काम करने से पहले मुझे यहां पे भी उस कनेक्शन की जरूरत है, डीबी कनेक्शन, ठीक है, तो ये वाली जो लाइन थी, ठीक है, ये वाली होम में जो हमने ये लाइन लिखी थी, सही है, ये मैं यहां से हटा दूंगा क्योंकि यहां पे तो इसका यूज नहीं है ना, क्योंकि इंसर्शन का काम मैं कहां पे करवा रहा हूं, इंसर्ट के पेज पे करवा रहा हूं, तो यहां पे मुझे होम के पेज पे तो सिर्फ फॉर्म है ना, यहां पे ये देने की जरूरत नहीं है, तो मैं ये पीएचपी का टैग भी यहां से हटा देता हूं, यहां पे सिर्फ फॉर्म है, क्योंकि जब सबमिट होगा तो इंसर्ट के पेज पे जाएगा और जो भी ये टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज हैं वो मैं डेटाबेस पे इंसर्ट करवाऊंगा, कौन से पेज में, इंसर्ट डॉट पीएचपी के अंदर, ठीक है। अब मैं यहां पे आता हूं इंसर्ट में, और यहां पे वो जो इंक्लूड वाली लाइन थी वो मैं यहां पे पेस्ट कर लेता हूं, इसका मतलब कनेक्शन इस लाइन पे मेंटेन हो गया, और अब मैं यहां पे एक इफ की लॉजिक लगा रहा हूं। अब लॉजिक क्या मैं कह रहा हूं, हमने एक मेथड यूज किया था इस सेट, और मैं मेथड कौन सा यूज कर रहा हूं, पोस्ट, ठीक है, और मैंने बटन का नाम क्या रखा था, अगर आप होम पे आओ बटन का नाम क्या है, सबमिट बीटीएन, ठीक है। तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि अगर मतलब जब मैं सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो मैं कह रहा हूं अगर सबमिट के बटन पे क्लिक हुआ है तो क्या करो, अब मैं यहां पे कुछ वेरिएबल्स बनाऊंगा, सबसे पहले नेम का वेरिएबल, और मेथड कौन सा यूज करूंगा, पोस्ट, और इस नेम के वेरिएबल में डेटा कहां से आएगा, ये वाला जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, और इसका नाम क्या रखा था मैंने, नेम, इसको मैं कहां पे दे दूंगा, यहां पे पोस्ट के अंदर जो सिंगल कोट्स हैं इसके अंदर, भाई सही है, मतलब ये क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसका डेटा मैं कहां स्टोर करवा रहा हूं, पोस्ट मेथड के थ्रू नेम वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहां पे मल्टीपल बना लेता हूं क्योंकि चार है ना हमारे पास, ठीक है, चार फील्ड है, तो यहां पे मैंने ये चार बना ली, और अब इसका नाम, इसका नाम मैं कहता हूं एज, और एज के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया था उसका नाम था एज, और फिर उसके बाद था इसका शॉर्ट कर लेते हैं डेजिक, और फिर उसका मैंने नाम क्या रखा था, ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, तो यहां पे हम चेक कर लेते हैं हमने टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या रखा था, देखो यही रखा था, ठीक है, अगर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो तो वो भी कर लो, इससे स्पेलिंग मिस्टेक का डर नहीं रहता। फिर डेसिक के बाद
लास्ट क्या है हमारे पास सैलरी, और सैलरी वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने रखा था सैलरी, ठीक है। मतलब टेक्स्ट बॉक्स का जो भी डेटा था वो बटन पे क्लिक होने के बाद मैंने कहां भेज दिया, वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है। और अब आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, सबसे पहला मैं काम करूंगा क्यूरी जनरेट करूंगा, ठीक है। तो अब इंसर्ट की क्यूरी मुझे यहां पे लिखनी है, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं, यहां पे वेरिएबल बनाता हूं, उसका नाम क्या रख रहा हूं क्यूरी, और इसके अंदर अब मुझे इंसर्ट की क्यूरी लिखनी है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कहता हूं इंसर्ट की क्यूरी में, इंसर्ट इनटू, ठीक है, ये कीवर्ड्स है। और हमारे टेबल का क्या नाम रखा था हमने, हमारे टेबल का नाम था एम्प्लॉय, ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, सही है। अच्छा अब यहां पे देखो, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और फिर उसके बाद मुझे डेटाबेस के अंदर कॉलम्स उनका नाम देना, मतलब जिन कॉलम्स में डेटा मैं इंसर्ट करवाऊंगा उसके कॉलम्स का मुझे नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल पहले कॉलम का क्या नाम है, नेम, ठीक है। देखो यहां से देखते जाते हैं हम, पहले कॉलम का नाम है नेम, एज, डेजिग्नेशन और सैलरी, नेम, एज, फिर डेजिग्नेशन, और फिर चौथे कॉलम का क्या नाम है, सैलरी, ठीक है। और अब इनको वैल्यूज कहां से मिलेंगी, उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं वैल्यूज का, और फिर अब देखो इनको वैल्यूज कहां से मिलेगी, इन वेरिएबल से, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया नेम, एज, डेजिग और सैलरी। और एक बात याद रखना, वैल्यूज के बाद आपने ब्रैकेट ओपन करने हैं, और ये जो वेरिएबल्स आप इसके अंदर दोगे ना वो सिंगल कोट्स में होने चाहिए, ठीक है। तो सिंगल कोट में मैं पहला वेरिएबल देता हूं नेम, ठीक है, और फिर सिंगल कोट में दूसरा वेरिएबल देता हूं मैं एज, एट द रेट एज, और फिर कॉमा, और फिर यहां पे मैं देता हूं डेजिग, ठीक है, और फिर चौथा मैं इसका नाम क्या कर दूंगा, हमने क्या रखा था सैलरी, ठीक है। तो अब जरा इसको समझना, क्यूरी को मैं क्यूरी क्या लिख रहा हूं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, कौन कौन से कॉलम पे इंसर्ट करना है, नेम, एज, डेजिग्नेशन और सैलरी, क्योंकि आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है ना, उसमें हमें वैल्यू फिल नहीं करवानी, और इन चारों कॉलम्स को वैल्यू कहां से मिलेंगी, इन चार वेरिएबल से मिलेंगी, क्योंकि देखो ये जो नेम के अंदर वेरिएबल है ये डेटा कहां से आ रहा है, नेम के टेक्स्ट बॉक्स से, इसके अंदर डेटा कहां से आ रहा है, एज के टेक्स्ट बॉक्स से, इसके अंदर डेजिग्नेशन के, और इसके अंदर सैलरी के अंदर, मतलब ये चारों वैल्यूज कहां पे इंसर्ट हो जाएंगी, नेम के अंदर, एज के अंदर, डेजिग्नेशन के अंदर और सैलरी के अंदर, ठीक है। अब इस क्यूरी को मुझे करवाना है एग्जीक्यूट, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, हमारे पास क्यूरी एग्जीक्यूट करने के लिए एक और मेथड है MySQLi का, जिसको कहते हैं MySQLi क्यूरी, और इसके पहले आर्ग्यूमेंट के अंदर मैं आप एक वेरिएबल देता हूं कनेक्शन। अब देखो ये कनेक्शन का वेरिएबल हमारे इस पेज में तो कहीं भी नहीं है, लेकिन अगर आप नोटिस करो ये कनेक्शन का वेरिएबल मैंने कहां बनाया था, डीबी कनेक्शन के अंदर बनाया था। देखो अगर मैं यहां पे जाऊं, ये देखो ये कनेक्शन का वेरिएबल मैंने बनाया था, सही है। ये वेरिएबल मैं कहां पे यूज कर रहा हूं, ये वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूं अपने MySQLi क्यूरी का जो पैरामीटर है उसके पहले आर्ग्यूमेंट में, और दूसरे आर्ग्यूमेंट में मैं क्या पास कर दूंगा, ये क्यूरी वाला वेरिएबल जिसके अंदर हमारी इंसर्ट की क्यूरी है। मतलब ये जो क्यूरी है ये कौन से कनेक्शन पे मेंटेन होगी, इस कनेक्शन पे, ये जो मैंने यहां पे बनाया हुआ ये वाला, इस कनेक्शन पे, मतलब इस प्रैक्टिस के डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होगा, ठीक है। ये काम मैंने यहां पे किया। तो अब आ जाओ, मतलब देखो MySQLi क्यूरी का मेथड कर क्या रहा है, MySQLi क्यूरी का मेथड आपके पास जो डेटा है ठीक है वो इंसर्ट करवा रहा है, मतलब आपकी जो क्यूरी है उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम किसका है, MySQLi क्यूरी का। और देखो ये ना ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, तो मैं यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं रन, मतलब देखो MySQLi क्यूरी क्या करेगा, हमारी इंसर्ट की क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा इस कनेक्शन के ऊपर। अगर इंसर्ट हो गई, मतलब एक रो अगर सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई तो इसके पास क्या जाएगा, ट्रू, लेकिन अगर एक भी रो इंसर्ट नहीं हुई तो इसके पास क्या जाएगा, फॉल्स। तो अब मैं यहां पे एक कंडीशन लगाता हूं, अब वो कंडीशन क्या है कि अगर ये रन ट्रू है, ठीक है, मतलब अगर इस वेरिएबल के अंदर ट्रू है तो ये इफ का पार्ट चलेगा, वरना कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा। तो यहां पे मैं कहता हूं, ठीक है, इस तरह से सही, मैं कहता हूं अगर
ये क्यूरी रन हो गई है, मतलब एक रो इंसर्ट हो गई है, तो यहाँ पे मेरे पास मैसेज क्या शो हो जाए, डेटा इंसर्टेड। लेकिन अगर ये क्यूरी सक्सेसफुली रन नहीं हुई तो एल्स का पार्ट चलेगा और यहाँ पे मैं मैसेज क्या कह देता हूँ, डेटा नॉट इंसर्टेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, और रिजल्ट देखते हैं कि हमारे पास डेटा इंसर्ट होता है या नहीं होता। ठीक है, हमारी होम की फाइल है, मैं इसको एक दफा फिर रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं एक डेटा इंसर्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नोमान, ठीक है, एज कर देते हैं 25, ठीक है, डेजिग्नेशन कर देते हैं आप मैनेजर, ठीक है, सैलरी कर देते हैं 24,000, और अब इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो कौन से एक्शन पे जाएगा, इंसर्ट डॉट पी एच पी पे, और इंसर्ट डॉट पी एच पी पे सारा मैंने काम किया हुआ इंसर्ट का। तो अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूं तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, डेटा इंसर्टेड। तो अब मैं चेक करता हूं, मतलब ये जो मैंने दूसरी रो ऐड करवाई थी ये इंसर्ट हुई है या नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने पीएचपी माय एडमिन में, ठीक है, और यहाँ पे देखो अभी तो एक ही रो शो हो रही है ना, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूं, दोबारा क्लिक करूंगा तो टेबल रिफ्रेश हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करो और अब देखो सेकेंड रो ऐड हो गई नुमान की, मतलब डेटाबेस में सक्सेसफुली हमारे पास इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, यहाँ पे देखो अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है तो मैं चाह रहा हूं यहाँ पे एक लिंक भी शो, उस लिंक पे क्लिक करूं तो वापस कहां चला जाए, वो फॉर्म के पेज पे चला जाए ताकि वो न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर सके। तो देखो मैं चाह रहा हूं कि जब वो डेटा इंसर्ट हो तो यहाँ पे मैं एको में पहले एक लाइन ब्रेक दे देता हूं, ठीक है, एक लाइन ब्रेक देता हूं और फिर यहां पे एको के अंदर मैं क्या लिखता हूं, मैं यहाँ पे एक एंकर का टैग ओपन करवा रहा हूँ। एंकर का टैग हम किस लिए यूज करते हैं, लिंक जनरेट करने के लिए, और इसके एचआरईएफ के अंदर मैं सिंगल कोट्स के अंदर कहता हूं कि मुझे कहाँ पे जाना है, होम डॉट पी एच पी, और इसको मैसेज क्या शो होना चाहिए यहाँ पे, क्लिक टू इंसर्ट मोर रिकॉर्ड्स चाहिए। ठीक है, मतलब देखो जब डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो वो कहां कौन से पेज पे जाएगा, इंसर्ट डॉट पी एच पी पे, और उसको मैसेज शो होगा डेटा इंसर्टेड, फिर एक लाइन ब्रेक शो होगा, फिर उसी के नीचे एक लिंक शो होगा जिसके ऊपर वो क्लिक करेगा तो कहां चला जाएगा, दोबारा होम डॉट पी एच पी, और होम डॉट पी एच पी पे क्या है, वही फॉर्म है जहां से वो दोबारा डेटा इंसर्ट कर सकता है। तो इसको आप सेव करते हैं और यहां पे आते हैं, ठीक है, अब पीछे जाते हैं, ठीक है, और यहां पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, और अब इसके अंदर डेटा मैं इंसर्ट करता हूं। तो यहां पे आते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहां पे हम इसको कर लेते हैं आमिर, ठीक है, इसकी एज कर लेते हैं 21, डेजिग्नेशन कर लेते हैं ऑपरेटर, ठीक है, सैलरी कर लेते हैं 22,000, और अब मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूं, ठीक है, तो देखो मैसेज क्या आया, डेटा इंसर्टेड, और नीचे लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वापस मैं कहां पे आ जाऊंगा, यहां पे आ जाऊंगा, और अगर मैं यहां पे आके अब ये जो तीसरी रो है इसको देखना चाहूं, ठीक है, अभी दो रोज आ रही हैं, अगर इसके ऊपर एम्प्लॉय के ऊपर दोबारा क्लिक करूं तो यहां पे देखो आमिर की रो आ गई थर्ड, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूं, देखो अभी जब मैंने क्लिक किया था इंसर्ट के ऊपर तो मुझे एक लेबल की फॉर्म में मैसेज डिस्प्ले हो रहा था ना, डेटा इंसर्टेड, मैं चाह रहा हूं पॉपअप मैसेज शो, अलर्ट होता है ना जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर मैसेज शो, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ठीक है, देखो ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये दो इसको मैं हटा देता हूं, कमेंट कर देता हूं कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और इसके अंदर मैं एको, ठीक है, और इसके अंदर स्क्रिप्ट का वो है ना मेथड अलर्ट, तो मैं यहां पे कौन सा टैग ओपन कर लूंगा, स्क्रिप्ट, और इसको मैं यहां पे, और इस तरह से अब इसके अंदर मैं क्या यूज करूंगा, अलर्ट का मेथड, और अलर्ट के मेथड के अंदर मैं क्या मैसेज लिख दूंगा, यही जो मैंने एको में लिखा था, ठीक है, वो यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, इसको सेव करते हैं, और अब अगर मैं यहां पे जाऊं, ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूं, और अब मैं यहां पे आके डेटा देता हूं, फॉर एग्जांपल आमना 23, डेजिग्नेशन इंचार्ज, ठीक है, सैलरी 21,000, और अब इंसर्ट पे क्लिक करूं तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, डेटा इंसर्टेड, अलर्ट मैसेज में आ रहा है, ठीक है, और अगर ओके करूंगा तो अब मेरे पास लिंक आ रहा है,
क्लिक टू इंसर्ट मोर रिकॉर्ड, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो कहां चला जाऊंगा, होम डॉट पीएचपी। लेकिन मैं चाह रहा हूं, अभी देखो मैं लिंक पे क्लिक कर रहा हूं उसके बाद मैं यहां पे आ रहा हूं ना, मैं चाह रहा हूं जैसे ही डेटा मेरे पास इंसर्ट हो पॉपअप मैसेज शो हो और दोबारा मुझे यहीं पे ले आए, ठीक है। मतलब मुझे लिंक पे क्लिक करके वापस होम पे जाने की जरूरत ना पड़े। तो मैं क्या करूंगा, अब यहां पे देखो ये जो लाइन है ठीक है, इसको मैं कर रहा हूं कमेंट, और ये जो मैंने स्क्रिप्ट का टैग था ना जिसके अंदर मैंने क्या स्टोर करवाया हुआ है, अलर्ट का मेथड, तो मैं यहां पे आके सेमीकोलन लगाता हूं और इसी स्क्रिप्ट के टैग के अंदर रहते हुए मैं यहां पे कहता हूं विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर ई एफ, और इसके अंदर मैं कह देता हूं क्या दे दूंगा, होम डॉट पी एच पी, और यहां पे सेमीकोलन। मतलब समझ रहे हो, मतलब जब अगर ये क्यूरी सक्सेसफुली इंसर्ट होगी तो इसका मतलब अलर्ट मैसेज क्या आएगा मेरे पास, डेटा इंसर्टेड, और विंडो की लोकेशन चेंज हो जाएगी, मतलब उसका रेफरेंस उसका पाथ क्या सेट कर दिया जाएगा, होम डॉट पी एच पी, इसका मतलब वो रीडायरेक्ट कहाँ हो जाएगा, मेरे होम डॉट पी एच पी पे, होम डॉट पी एच पी पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब वहां पे वो न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब पहले मैसेज शो होगा फिर वो रीडायरेक्ट कहां पे हो जाएगा, होम डॉट पी एच पी के ऊपर। तो अगर मैं यहां पे आके इसको सेव करूं ठीक है, और अब यहां पे आके इसको रिफ्रेश करता हूं, और यहां पे आके फॉर एग्जांपल हम इसका नाम अब कहते हैं आरिफ, ठीक है, एज हम कह देते हैं 26, और यहां पे कह देते हैं फॉर एग्जांपल डेजिग्नेशन आईटी इंचार्ज, और इसकी सैलरी कर देते हैं 30,000, और अब इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक किया क्या मैसेज आया, डेटा इंसर्टेड, और अब जैसे ही ओके करूंगा तो देखो कहां पे ले आया वो मुझे, होम डॉट पी एच पी पे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा कि किस तरह से हम डेटा डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे जाऊं और अब दोबारा एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो देखो दो रिकॉर्ड्स ऐड किए थे आमना और आरिफ का, वो हमारे पास आ गए, सही है। तो इस तरह से हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है यहां तक।